नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहिंदर सिंह आपका कृषि गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एडी की क्लास में फॉरेस्ट्री के टॉपिक पढ़ेंगे। आइए इनको शुरू करते हैं। इन फॉरेस्ट द स्टैंडर्ड कलर ऑफ गिवन फॉर रीजनरेशन स्टेटस एक्सेलेंट, यानी कि जिसमें रीजनरेशन शब्द बेहतरीन हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं। इन फॉरेस्ट स्टैंडर्ड कलर गिवन टू रीजनरेशन स्टेटस डेफिशिएंट, यानी सबसे कम जहाँ रीजनरेशन होती है उसको दिखाते हैं हम ब्लैक कलर से। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन ईयर, मनुष्य और वातावरण उसका समन्वय का जो कार्यक्रम था वो चलाया गया था 1971 में। डिक्लेरेशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट इज पॉसिबल बाय इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। किस सेक्शन के अंतर्गत आते थे? 3 से 27 से आते थे। तो अगर ये ऐसा रहे तो ध्यान रखना कि 1927 में आया था और 27 में डिक्लेयर हुआ था रिजर्व फॉरेस्ट का। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इसमें कंटेन कितने सेक्शन है इसमें? 86 सेक्शन होते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड अंडर फॉरेस्ट एक्ट 1927। अब बात आती है फॉरेस्ट में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन सा होंगे? वो लैंड जो रिजर्व होगी फॉरेस्ट के लिए और जिसके ऊपर गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी राइट्स रहेंगे, और ये आती है सेक्शन 29 में। तो अगर आए तो इसमें 3 क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर हुए थे 1987 में ना 1927 में, उसके बाद गवर्नमेंट के सेक्शन किस में आते हैं? 29 में, और रिजर्व फॉरेस्ट को क्या कहते हैं हम? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो 3 आंसर इसके बनते हैं। यहाँ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 हैज़ कंटेन, इसमें 13 चैप्टर होते हैं, 86 सेक्शन होते हैं, तो आंसर आएगा 13 चैप्टर। द टोटल इंक्रीमेंट अप टू द गिवन एज डिवाइडेड बाय द एज, यो कहना चाह रहा है कि एक एज पर टोटल फॉरेस्ट एरिया का इंक्रीमेंट कितना हुआ बाय वॉल्यूम, और नीचे उसकी उम्र से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है? MAI, मीन एनुअल इंक्रीमेंट। तो मीन एनुअल इंक्रीमेंट किसे कहेंगे? एज से डिवाइड करते हैं। और अगर CAI आ जाता है तो ये होता है इंक्रीमेंट ऑफ प्लांट स्टैंड्स। ये क्या रहेगा? CAI, इंक्रीमेंट ऑफ प्लांट स्टैंड्स ड्यूरिंग ईच ईयर, यानी एक साल में कितना बस बढ़ता है वो तो होगा कम्युलेटिव एनुअल इंक्रीमेंट। और मीन क्या रहेगा? वॉल्यूम बटे एज। तो इस वो क्या रहेगा? मीन एनुअल इंक्रीमेंट रहेगा फॉरेस्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 5th ईयर प्लान, पाँचवा जो 5th ईयर प्लान था उसमें सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, एनुअल फिलिंग एरिया इज अदरवाइज कॉल्ड एज। अब ये दो चीज़ आई, एनुअल फिलिंग एरिया क्या होगी? वो एरिया एनुअल स्टैंडिंग वॉल्यूम का, ट्रीज का हो, उनकी लिविंग हो या डेड हो, मेजर्ड ओवर बार्क विद नो मिनिमम डायमीटर, तो वो क्या कहलाएगा? फील्ड कहलाएगा। जो फिलिंग एरिया है इसका मतलब क्या है कि वो पेड़ों का घनत्व, चाहे वो जिंदा हो चाहे मरे हुए हो बार्क के ऊपर, वो क्या कहलाता है? फील्ड कहलाता है। और कोपे क्या कहलाएगा? कोपे हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द फेलिंग एरिया। कौन सा एरिया? फेलिंग एरिया, वो लिविंग हो या डेड हो, यूजली वन ऑफ एन एनुअल सीरीज अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, यानी जब तक कुछ स्पेसिफिक ना कहा जाए तब तक वो सिंपली यही कहलाएगा कि एनुअल इंक्रीमेंट जो होता है उसमें डायमीटर नहीं काउंट होता कि बार्क का डायमीटर या प्लांट का डायमीटर कितना है, वो स्टैंड का वॉल्यूम देखा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी बैम्बू सीरीज आर फाउंड, ए स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में 136 प्रकार के बैम्बू पाए जाते हैं। फिलिंग साइक्लिक ऑफ बैम्बू, आप समझ गए कि कितने तने हैं वो कब काउंट होते हैं? 3 से 4 साल में काउंट होते हैं बैम्बू के। गोल्डन और येलो बैम्बू इज बैम्बूसा वल्गैरिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। द मेन
टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड ब्लॉक, क्योंकि कॉपे हमारा प्लान से रिलेटेड था, कंपार्टमेंटल बंडिंग या कंपार्टमेंट पार्ट होगा फॉरेस्ट का, और ऑल ऑफ दी तो सवाल ही नहीं, क्योंकि जब बी और सी गलत है तो डी अपने आप गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, वर्किंग प्लान एम फॉर, किसी भी चीज़ का वर्किंग प्लान हमेशा सस्टेनेबिलिटी पर निर्भर करता है, तो पहला ही आंसर आएगा कि सस्टेनेबिलिटी इसका मेन आधार होता है। क्वेश्चन नंबर 16, लीडिंग कंट्री इन द ग्रोइंग सॉफ्ट वुड लंबर इन द वर्ल्ड इज, केन्या में सबसे ज़्यादा होता है सॉफ्ट वुड। द स्नैग इज ए स्टैंडिंग डेड ट्री, यानी एक पेड़ जो खड़ा रहेगा मरा हुआ उसको क्या बोलते हैं, स्नैग। एन टी एफ टी को नॉर्मल टाइम फ्रिक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन से भी जोड़ के देखते हैं, जब स्पेक्ट्रम आता है तो ये पता चल जाता है कितने डेसिडुअस हैं या कितनी इफेक्ट करते हीट को, तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इसका आंसर होगा बी। सैपवुड इज रिच इन स्टार्च, फूड मटेरियल ऑफ टर्माइट इज सेलुलोज, आपको पता है पेड़ पौधों के लकड़ी को खाता है, तो सेलुलोज इसका बेस्ट फूड मटेरियल होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट बेंगलोर, टाइलोज आर प्रजेंट ओनली इन हार्डवुड, सॉफ्टवुड में यह नहीं होता, हार्डिंग होती है इससे। फाइबर सेचुरेशन पॉइंट फॉर मोस्ट ट्रॉपिकल टिम्बर रेंज बिटवीन 10 से 12, जो होगी फाइबर का सेचुरेशन पॉइंट होगा सभी टिम्बर्स की जो रेंज होती है उन प्लांट्स का। फिजियोलॉजिकली हार्डवुड इज, फिजियोलॉजिकली हार्डवुड किसको कहेंगे, डेड प्लांट को कहेंगे। ग्रोथ ऑफ द टर्मिनल एंड ऑफ ए स्टेम इज कॉल्ड टर्मिनल ग्रोथ, इसके बाद उस एंड पे ग्रोथ रुक जाती है। रेड रस्ट ऑफ यूकलिप्टस इज कॉज्ड बाय एल्गा, कटिंग ऑफ ट्रीज, क्वेश्चन नंबर 27, ऑन लार्ज स्केल इज नोन एज डीफोरेस्टेशन, डीफोरेस्टेशन क्या हुआ, कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल, मैंने बहुत सारे पौधों का एक साथ काट देते हैं बड़े एरिया में, तो डीफोरेस्टेशन कहलाता है। नेक्स्ट है डीफोरेस्टेशन जनरली डिक्रीज दी, अगर ज़्यादा पेड़ काट दे तो क्या होगा, एवपोट्रांसपिरेशन कम होगा, एवपोट्रांसपिरेशन कम हुआ तो हवा में नमी कम रहेगी, नमी कम रहेगी तो रेनफॉल कम होगा, तो जनरली क्या करता है ये रेनफॉल को डिक्रीज करता है। एक्सटेंसिव प्लांटिंग ऑफ ट्रीज टू इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया इज नोन एज एफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन प्लांट का काटना, एफॉरेस्टेशन प्लांट का लगाना। मतलब एक्सटेंसिव प्लांटिंग ऑफ ट्रीज टू इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर इज नोन एज एफॉरेस्टेशन। विच नेशन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन, क्वेश्चन नंबर 30 कहना चाह रहा है कि किस देश में सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो, पेड़ों की कटाई हुई, तो वो है हमारा होंडुरस सी, और यहाँ पर कितना एरिया लॉस हो चुका, 37% हाईएस्ट लॉस यही हुआ है, तो इस एरिया में हाईएस्ट फॉरेस्ट का लॉस हुआ। क्वेश्चन नंबर 31, विच टाइप ऑफ फार्मिंग कॉज मोर अमाउंट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, सबको पता है कॉमर्शियल फार्मिंग करोगे तो आपको प्लांट्स को काटना पड़ता है। एग्रोफोरेस्ट्री इज ए टाइप ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग, क्योंकि एक से ज़्यादा क्रॉप्स लेते हैं तो मल्टी क्रॉपिंग होती है, मिक्स्ड क्रॉप में थी वह एक साथ एक जगह बोई जाए ऐसा नहीं होता, डबल क्रॉप एक प्लांट टब ले लिया दूसरा क्रॉप काट के ले लिया एक साल में, ये भी पॉसिबल नहीं है। मोनोक्रॉप एक ही क्रॉप लगा ली वो भी नहीं है, तो एग्रोफॉरेस्ट क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग है। क्वेश्चन नंबर 33, फॉरेस्ट कवर इज मैक्सिमम इन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, गुजरात राजस्थान में वैसे ही सूखा पड़ता है, गुजरात बी में भी है और केरला गोवा में पहाड़ी क्षेत्र का में प्लेन्स हैं, वहाँ पर जो मैक्सिमम एरिया आता है वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हो पाया जाता है। द फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया एज ऑन 2019 इज 21.67% था, द फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया एज 2019 इज
71.72 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, ए वेरी डेंस फॉरेस्ट विच विल कवर 70% ऑफ द ट्री कैनोपी डेंसिटी, जिसमें 70% एरिया कवर रहेगा वो वेरी डेंस फॉरेस्ट कहलाता है। द ट्री डेंसिटी इज मेजर्ड इन ट्रीज पर हेक्टेयर, कि कितने पेड़ एक हेक्टेयर में है वो डेंसिटी नापते हैं। द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया, फॉरेस्ट का ट्री का लगा ले तो हमारे पास कितना है ये 80.73 मिलियन हेक्टेयर, जबकि हमारे पास अगर केवल फॉरेस्ट का बात करें तो कितना था 71.2 हमारे पास टोटल एरिया था उस टाइम पे। इससे पिछले स्लाइड में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 39, द टोटल फॉरेस्ट एरिया चेंज इन इंडिया वाज हाईएस्ट इन ईयर 2017 में सबसे ज़्यादा प्लांटिंग हुई थी। क्वेश्चन नंबर 39 भी रह गया था, द टोटल फॉरेस्ट एरिया एंड ट्री कवर इन इंडिया इस कितने परसेंट था 24.56% था। क्वेश्चन नंबर 40, ए मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट विल कवर मिनिमम 40 होना चाहिए बट लेस देन 70, अगर 40 से 70 के बीच में रहेगा तो मॉडरेट डेंसिटी रहेगी, 40 से तो कम नहीं हो सकता तो वो क्या रहेगा मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट रहेगा, इसका मतलब सी और डी ए के आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, द ओपन फॉरेस्ट विल कवर 10 से ज़्यादा पर 40 से नीचे, वो क्या रहेगा ओपन फॉरेस्ट कवर रहेगा अगर डेंसिटी पर हेक्टेयर कम है तो परसेंट ऑफ ट्री कैनोपी में। क्वेश्चन नंबर 43, द स्कर्ब फॉरेस्ट हैव ट्री डेंसिटी ऑफ 0.1। क्वेश्चन नंबर 44, विच स्टेट हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, हमने पहले पढ़ा था एमपी में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 45, विच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट डेंस फॉरेस्ट कवर, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है प्लांट्स की, फॉरेस्ट प्लांट्स की। Which Indian state has highest moderate forest cover? Question number 46. Answer आएगा इसका झारखंड। Next question 47. Which Indian state has highest moderate forest cover? मध्य प्रदेश। Next question 48. Which of the following Indian state or Indian territory has very heavy dense forest area below 1 square kilometer, इसमें छत्तीसगढ़ भी आता है और दमन और दीव भी आएगा, तो क्वेश्चन का आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन एज द लोएस्ट ओपन फॉरेस्ट एरिया, लोएस्ट फॉरेस्ट एरिया है चंडीगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 49 भी रह गया, बीच में छूट गया, विच इंडियन स्टेट और इंडियन टेरिटरी हैज लोवेस्ट डेंस फॉरेस्ट, दमन और दीव में लोवेस्ट डेंस फॉरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 51, विच इज ए डेसिडस एग्रो फॉरेस्ट्री ट्री, नीलगिरी सदाबहार है, सबूल ये भी सदाबहार है, नीम ये भी सदाबहार है, तो क्वेश्चन आया इसका आंसर आएगा डी, नन ऑफ दीस। क्वेश्चन नंबर 52, डलबर्जिया सिसो ए द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन रोजवुड। क्वेश्चन नंबर 53, फैमिली ऑफ इंडियन रोजवुड इज फैबसी, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट इज नेटिव टू, फ्लेम हाँ लोकल यूज होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, प्लास ट्रीज बियर फ्लोअर ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, प्लास में कब फूल आते हैं स्प्रिंग के महीने में। Which type of forest is highest in India? Subtropical forest India में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। Which is an evergreen tree? Indian rosewood यानी
सरसों, यूकलिप्टस और नीम ट्री तीनों ही हैं, तो इसका मतलब आएगा आंसर ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर होगा डी। विच ऑफ द एग्रो फॉरेस्ट्री ट्री ड्रेन्स लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर, आपने देखा वो नहरों के ऊपर इनमें से सिर्फ एक ही पौधा दिखता है यूकलिप्टस का सफेदे का पौधा, तो आंसर होगा ए। विच इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, ये तो सबको आता है पहली क्लास से ही पता चल जाता है, बनियान ट्री। विच एग्रो फॉरेस्ट्री ट्री हैज़ हाई कॉमर्शियल वैल्यू, किसकी कॉमर्शियल वैल्यू है उसमें से, तारामीड के नहीं है, वाइल्ड कैसोनट के नहीं है, टीक की, और फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार पहाड़ों पे अब टीक के पौधे काटना कानूनी जुर्म है। क्वेश्चन नंबर 61, विच प्रोड्यूसेस बीड़ी लीव्स, जो बीड़ी होती है ना उसकी किससे किसके लीव से बनती है, इसकी बीड़ी जो बनती है वो बनती है डायोस्पोरस मेलोक्सोन, यानी ए से बीड़ी की पत्तियां बनती हैं या बीड़ी बनती है। क्वेश्चन नंबर 62, द कंट्री शुड हैव एटलीस्ट 33% ऑफ फॉरेस्ट एरिया, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कम एग्जिस्टेंस इन, हमने एक बार पहले भी पढ़ लिया, 1927 में, वेयर इज फॉरेस्ट स्कूल, देहरादून, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1988, द हाइट ऑफ पुलार्डिंग इज 2 मीटर, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ कोपिंग इज, क्या फ़ायदा होता है कोपिंग करने का, कि विग्रेस ग्रोथ वहाँ से निकलती है इसलिए उसको कोपिंग करनी पड़ती है। ए टिपिकल शेल्टर बेल्ट है, एक टिपिकल शेल्टर बेल्ट किस होगी जिसका क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, ट्रायंगुलर होगा, कि वो हवा आएगी उस शेल्टर बेल्ट उसको स्लो कर देगी, स्लाइंटली बिना नुकसान के जाने देगी, तो इसका आंसर आएगा सी। द सिल्वो पास्चर सिस्टम इज आइडियल फॉर, सिल्वो पास्चर प्लांट्स का और पास्चर का ग्रासलैंड का कहाँ बढ़िया रहेगा, ड्राई एरियाज में बहुत बेहतरीन रहेगा। द सिल्वो ब्रीज सिस्टम इंक्लूड्स, सिल्वो में क्या होता है, सिल्वो ब्रीज सिस्टम में सिल्वो का मतलब ट्रीज, पास्चर और एनिमल्स, ये तीनों जिसमें होती हैं वो क्या होगा, सिल्वो ब्रीज सिस्टम कहलाता है। चारकोल मेकिंग ट्रीज, अकेसिया निलोटिका से भी चारकोल बन जाता है, एडिना कोर्डिफोलिया से भी चारकोल बनता है, और एनोगेसिस लैटिफोलिया से भी चारकोल बनता है, तो इसका आंसर आएगा सी। तेरा ख्याल आया तो मन घिरा सा रहता है, कारवा यही है और दिल सफ़र में रहता है, हर रोज़ गुजर के निकलता है हादसा कोई, जाने जा दिल आजकल सहम के रहता है, दूँ आवाज़ तो शायद तुझे सुनाई भी ना दे, जी मेरा इसलिए चिल्लाने को रहता है, जिधर देखूं धुआं धुआं सा है आंगन, दम कुछ रोज से घुटा सा रहता है, दोस्त न जाने क्यों गुलाब खटकते हैं आँखों में, तेरे बिन माही आलम वीरान सा लगता है। तो दोस्तों इसी के साथ फॉरेस्ट्री की हमारी पहली क्लास को विराम देते हैं, जल्दी ही नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद जय भारत।